राम राम भाई, क्या ना सबके। तो आज मेरे श्याम है खिलाड़ी, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, क्या बोलते हैं मैडम इनको? ये बॉक्सिंग लव्स है सर। अच्छा, ये किसी ये पड़ जाए तो मतलब कि पानी नहीं मांगा आदमी ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब नाम क्या आपका वो बताओ एक बार। जी मेरा नाम रेणुका है। अच्छा, पूरा नाम क्या है? रेणु शर्मा है। रेणु शर्मा, ओके, ठीक है। कहाँ से हैं आप? जी मैं दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ। दिल्ली से बिलोंग करते हो? तो इधर आपके मेडल हैं, वो दिखाते जाओ और बात करते जाओ। जी बिल्कुल। आप ये अपना मेडल दिखाओ एक बार, और इन मेडल का क्या बेनिफिट चल रहा है, क्या आपको मिल रहा है, कुछ सच्चाई बताओ थोड़ा सा, मतलब कि लगे इतने सारे मेडल है ना। ये सर मेरे गोल्ड मेडल ही हैं सारे ऑलमोस्ट। अच्छा, हाँ जी। ये जो गोल्ड मेडल बता रहे हैं आप, मतलब कि क्या होता है कि इनमें ये गोल्ड के होते हैं फिर वैसे होते हैं, नाम होता है इनका? ये सर नाम होता है गोल्ड का। हाँ, मैं बचपन में ये सोचता था कि गोल्ड का मिलेगा, मतलब ऐसा होगा। कितने मेडल आपके पास ये? सर मेरे पास 7 मेडल है। अच्छा, 7 मेडल है इनके पास अभी। और इधर सर्टिफिकेट में एक रखो इनकी, वो डिटेल लेंगे पूरे की पूरी, क्या होता है क्या नहीं। उधर वो रखे क्या वो? ये सर मेरे सर्टिफिकेट्स हैं। दिखाना एक बार, बताना थोड़ा, कितने हैं ये? ये भी सर 7 ही हैं। 7 ही हैं, ठीक है। तो अभी इनका क्या बेनिफिट मिल रहा है? सर इनका तो कोई अभी तो बेनिफिट नहीं है, मैं बॉन्सर लाइन से हूँ अब। मैं स्पोर्ट्स मतलब खेलती हूँ अपने शौक के लिए, और बाकी मैं बाउंसर लगवाती हूँ अपना, खुद भी जॉब करती हूँ। बिजनेस कर लिया मतलब? हाँ, अगर देखा जाए तो ये होगा ना, बिजनेस में आ गया। बिजनेस में ही आ गया एक तरीके से आप कह सकते, क्योंकि उधर आपने तोड़ फोड़ करी, ये मेडल लेके आया, उसके बाद आपने सोचा कि यार ये सही है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिटनेस क्लासेस होती है, वो भी करते हो, कुछ और भी करते हो इसमें? हाँ, मैं फिटनेस क्लासेस भी देती हूँ, प्लस मैं बॉक्सिंग क्लासेस भी देती हूँ। अच्छा, हाँ, मेरे से मेरे स्टूडेंट्स हैं काफी। ओके, तो क्लासेस लेते हैं। आपको बेनिफिट ये मिला है ना? जी मेरे को इससे बेनिफिट ये मिला। कोई नौकरी वोकरी नहीं मिली कोई कहीं पे? जी नौकरी तो नहीं मिली ऐसा। मैंने सोचा कि मेडल वालों को नौकरी नौकरी मिलती है, ऐसा कुछ होगा? नहीं मिलती है, मेडल वालों को नौकरी मिलती है, बहुत लोगों को मिली है, शायद मेरी किस्मत में नहीं थी तो मुझे नहीं मिली। अच्छा, तो क्या उम्मीद करते हैं कि मतलब कि मेरे जैसा कोई सोचे कि यार खेल खिलाड़ी बनना चाहिए, सही है गलत है? आप बन सकते हैं, लेकिन आप एक शौक के तौर पे बन सकते हैं, जो चीज़ें चल रही हैं अभी उस हिसाब से। अच्छा, तो अगर आप ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, स्पोर्ट्स से ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान दें। एक्चुअली देखो जी, पता क्या लगता है कि इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे खेल की दुनिया हो या फिर वो ग्लैमर फील्ड हो, कुछ भी हो, इसमें लक भी चलता है मेहनत के साथ में। हाँ बिल्कुल, लक चलता है इसमें, है ना। तो कहीं ना कहीं मेहनत तो है ही है, और फिर उसके बाद में पैसा भी लगाना पड़ता है। जी हम मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो कोई पीछे सपोर्ट नहीं रहा कभी। जो भी नेशनल गोल्ड स्टेट गोल्ड मैंने सब जीता, लेकिन एक कह सकते हैं कि किसी का कभी हाथ नहीं था, एक सही डायरेक्शन नहीं मिली, तो शायद इतनी अच्छी अचीवमेंट नहीं रही मेरी। कि एक राह होती है, एक राह दिखाता है कि मैं हाथ पकड़ के, वो राह दिखाने वाला कोई था नहीं। तो जैसे जैसे मुझे समझ में आती गई चीजें, मैं वैसे वैसे करती गई। लेकिन अभी भी मतलब कि आप जो कर रहे हैं, ठीक है, जिस हिसाब से मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो लाइफ भी अच्छी है, क्योंकि कई कई लड़कियां, कई लेडीज ऐसी हैं कि जो शादी करके ना घर में पिट रही हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उनके ऊपर ना अत्याचार हो रहे हैं, और वो खुल के बोल नहीं पाती, कुछ कर नहीं पाती। तो कम से कम आप इस फील्ड में आए तो आपको इतना तो है कि यार मैं खुद कमा के खा सकती हूँ, मैं अपने आप पर डिपेंड हूँ, इस चीज़ में तो आपको प्राउड फील होता होगा? नहीं जी, मेरे को बिल्कुल प्राउड फील होता है कि मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। हाँ, अपने आप पे हूँ कि यार ठीक है मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं ये तो बोलूँगा कि कोई भी लड़की हो यार, ठीक है, अपने आप पे डिपेंड होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये, कोई काम में नहीं आता, जहाँ तक मैं बोलूँगा, दूसरे क्यों बोलें कि घर परिवार वाले काम में नहीं आते, कोई साथ नहीं देता, कोई किसी का नहीं आज के टाइम में, अपनी औलाद भी साथ नहीं देती, सच बताऊँ आपको। अगर आप अपने आप पर डिपेंड हो ना तो वो सबसे बड़ी बात है। 2 रुपये अगर आप कमा सको तो अपने आप पर डिपेंड रह के कमाओ। और आपके पास इतनी चीज़ें हैं, ठीक है, आपको लगता है कि बड़ी चीज़ नहीं मिली, है ना जी, तो आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको वो चीज़ तो मिलेगा, कमाने का जरिया तो मिलेगा जिसके ऊपर आप डिपेंड हैं, कर रही हैं, काम कर रही हैं। हाँ, मुझे एक लाइन मिली, मुझे इज्जत मिली बहुत। हाँ हाँ, तो ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, बहुत इज्जत है। आज 4 लोग जानते हैं कि रेणु शर्मा बॉक्सर है, बॉक्सिंग के नाम से मेरे को। और बाउंसर भी आप ना? मैं बाउंसर भी हूँ, मेरी एक अच्छी खासी टीम है। अच्छा, 60-70 फीमेल्स की जो मेरे अंडर काम करती हैं। ओए ओए, क्या बात है, क्या बात है। मतलब कि यार मेरी पिटाई तो नहीं हो जाएगी यहाँ पे? नहीं नहीं, आप बिल्कुल सेफ है हमारे साथ सर। सेफ है क्या? पता नहीं, जैसे मैं बात करता हूँ ना, मेरी हिम्मत नहीं पा रही। आप मेरे साथ, मेरे यूट्यूब पे 1000 वीडियो हैं, और उसके अंदर कम से कम 700 लड़कियाँ हैं, 700, वो भी अलग अलग, और उनके साथ आपने मेरे साथ वीडियो नहीं देखी। मैं बहुत फ्लर्ट करता हूँ लड़कियों के साथ में, लेकिन आपके जो ग्लव्स रखे ना यहाँ पे, आपको उसको देख के मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं आपके साथ इस तरह की बातें करूँ, क्योंकि मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊँगा इस तरह की बातें, क्योंकि अगर आपका गुस्सा आ गया दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। तो मैं सेफ हूँ अभी? आप बिल्कुल सेफ है। बॉक्सर को एक टाइम पे ही गुस्सा आता है, जब बहुत ओवर हो जाता है।
फिर उसे संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। कैसे गुस्सा आएगा, मतलब कि मेरा समझा नहीं, मतलब कि बातों बातों में तो गुस्सा नहीं आता? नहीं नहीं, बातों बातों में गुस्सा नहीं आता। पक्की बात है? हाँ बिल्कुल पक्की बात है। तो फिर मतलब कि जैसे कोई प्रपोज कर दे आपको तो गुस्सा आता नहीं? नहीं नहीं, ऐसे क्यों प्रपोज करने में गुस्सा आएगा? क्या बात है, मतलब आप सीधा लाइन मार रही हो क्या? आप हैं इतने हैंडसम, क्या करें, कंट्रोल नहीं हो रहा। ये इसने सही पेल दिया मेरे को ना, डायलॉग सही मार दिया ऊपर, मतलब कि आप एंटरटेनिंग भी काफी ना। अरे यार बॉक्सर का मतलब ये थोड़ा है कि वो हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। नहीं मुझे ऐसा लगा कि अगर आप बाउंसर बॉक्सर हो, एक बाउंसर हमारा भी है ठीक है, अच्छा, लेकिन बहुत ही प्यारा बंदा वो, बहुत मस्त, मतलब कि अगर देखा जाए तो मेरी जान है वो, मतलब कि बहुत बढ़िया और नेचर बहुत अच्छा है और सच में दिख खड़े रहेगा। और पता उसका क्या एक वो है, हंस देगा ना सारा काम खराब हो जाता है वो, देख के मतलब कि ऐसा लगता है कि यार बंदा बाउंसर का काम ही इतना गुस्से में दिखेगा, ऐसे में दिखते हैं हम तो ऐसे ऐसे ना, और वो है ना हंस देता है, हंसते ही सारा काम खराब हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा है वो, मेरी जान एक तरह देखा जाए तो। 6 फुट से ऊंचा करीब ठीक है, अच्छा उसका वजन वजन बढ़िया है एकदम। नहीं हमें मिलते हैं लोग, बहुत लोग हमसे, मतलब मेरे यहाँ पे मैं काम करती थी ऑस्कार्स में, तो वहाँ पे भी बहुत लोग मिलने आते थे, फ्रेंड्स, मैम हम आपके साथ फोटो क्लिक कराए, मैम आप क्या करती हो, और तो रहते हैं हम बहुत पोलाइटली बात करते हैं, हम तब तक कुछ भी ऐसा नहीं करते कि आगे से कुछ क्लब में प्रॉब्लम हो या कोई बदतमीजी करे, हम बहुत शांत रहते हैं, बस ये है कि हम वहाँ हंस नहीं सकते क्योंकि फिर कोई भी आके लोग ड्रिंक करके होते हैं। अभी क्या हुआ था कि मैं एक क्लब में गया था ठीक है, रात का टाइम था, रात में होते ज्यादातर, तो हाँ जी, तो जो मेरी पार्टनर थी वो पहले घुस गई उसके अंदर ठीक है, तो बाउंसर ने मेरे को रोक लिया, तो मतलब कि वो ऐसे चौड़ा हो रहा था, तो मतलब कि लोकली था कहीं का ठीक है, आसपास का कहीं ना कहीं, मेरे को उसने रोक दिया और ऐसे धक्का दे दिया। मैं करा 1 मिनट रुक जा भाई, बात कही है तो बता, करा अंदर नहीं जा सकता तू, मैं करा लैंग्वेज तो तूने हरियाणा की मारी, मैं करा गलत फंस गया तू ठीक है, मैं करा मेरे लाडले भाई बात बता क्या क्या नहीं करते, ऐसा लड़की नहीं, मैं करा किसने कही, मैं करा मैंने मुड़ के देख एक बार, तो देख 2-4 बार छोरी थी बढ़िया बढ़िया जो सकट सकट पहनती थी मेरे साथ में, बोले भाई तेरे साथ ऐसी लड़की, मैं कह रहा जब तू आड़ा नौकरी कर सका तो मेरे साथ छोरी नहीं आ सकती, तो मैं कह रहा तेरे जैसे भाई अपने बहुत है, मैं कह रहा ठीक है, तो इस तरह गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो 2-3 जगह ऐसा मैं गया हूँ ना, वहाँ पे हो जाता कि कई बंदों में क्या होता है कि अकड़ आ जाती है कि मैं आप यहाँ पे, वो जो लोग होते हैं वो प्रॉपर बिना ट्रेनिंग के बिना किसी जानकारी के इस फील्ड में आ जाते हैं, जो अकड़ कम दिखाते हैं ना, उन्हें वो नहीं होता कि उनका माइंड सेट नहीं किया होता कि आपको इस तरह की कैसे करना है। जो मेरे अंदर काम करती है, फीमेल भी है मेल्स भी है, तो उन्हें प्रॉपर हम बताते हैं कि आपको किस तरीके से अपना गुस्सा कंट्रोल करना है, आपको किसी तू करके बात नहीं करनी, आप बात करेंगे आप करके बात करेंगे, आप मैम या सर करके बात करेंगे, आपको किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, तो उस तरीके से हम उन्हें ट्रेन करते हैं। अगर लड़ाई हो तो उसे कैसे कंट्रोल करना है, गेस्ट को कैसे पोलाइटली बाहर लेके जाना है, अगर वो कंट्रोल से बाहर हो रहे तो उसे कैसे ग्रिप करना है, हम प्रॉपर ट्रेनिंग देके फिर अपने बाउंसर फील्ड में उतारते हैं। ये बात भी बहुत जरूरी है, मतलब कि अगर देखा जाए ना ये चीज़ सीखने को मिल रही है, और साथ साथ में आपकी ये बात भी कि चलो अपना अपना काम कर रखा है बाउंसर का जो कुछ भी है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए वाइज इसको ठीक है, बाउंसर की जरूरत, तो मैम की आईडी मेंशन कर दूंगा मैं ठीक है, अपनी इंस्टा की आईडी बोल दो एक बार साथ में। जी रेनू शर्मा के नाम से मेरी आईडी है इंस्टा पर। हाँ तो आपको फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे, फॉलो कर सकते हैं, इनको डीएम भी कर सकते हैं अगर आपको बाउंसर चाहिए तो, ये काम करती मैडम तो ठीक है मैंने बता दिया। तो और मैम कुछ बताएं अपने बारे में थोड़ा सा, मतलब कि जो दुखी बात तो कोई सुनने को राजी नहीं होता जो कि ना, क्योंकि हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल होता है, दुख भरी कहानी होती है ना, तो हर किसी को ये चीज़ें पसंद नहीं आती, कुछ ऐसा बताओ कि लगे कि यार हाँ अच्छा कुछ हुआ, कि आप लाइफ में हैप्पी कब थे, कब ऐसा कुछ इंसिडेंट जो बोलते हैं कि आपको लगा कि यार हाँ आज का दिन मेरे लिए बेस्ट है। नहीं मैं लाइफ में हमेशा हैप्पी रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, जब ऐसा कोई डे नहीं आता कि जिसमें लगे कि यार हाँ आज वाला दिन बहुत था मेरे लिए खुश राजी रही हो जिसको बोलते हैं। बहुत सारे दिन रहे हैं सर, लेकिन सबसे अच्छा डे वो था जब मैंने फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता था नेशनल में। मतलब उस टाइम मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा था कि खुशी में भी आंसू आते हैं। हाँ राइट राइट राइट, 2013 सही बोले बात, 29 सितंबर शाम को 6 बजे अच्छा मैंने पहली बार महसूस करा था कि खुशी में भी आंसू आते हैं ना। हाँ ये गम में भी आंसू आते हैं ना, खुशी में भी आते हैं ठीक है, दोनों में होते हैं। तो वो बहुत खुशी का टाइम था मेरे लिए, मेरे को अपनी मम्मी पापा की बहुत याद आई, उनकी एक दुआई थी, आज भी उनका आशीर्वाद है जो शायद मैं यहाँ तक पहुँच गई। अभी जो ये मेडल है यहाँ पे, इनका कुछ बेनिफिट क्या बताया था आपने, कैसे क्या होता है कि मतलब कि साल में कुछ ऐसा कुछ होता है?
जी फॉर्म निकलते हैं, आप फॉर्म फिल करिए, जैसे आपका गोल्ड है, सिल्वर है। अभी एक कोई भी आप मेरे को मेडल दिखाओ जिस पे आपकी लगे कि इस पे मेरे को ज़्यादा पैसा मिल सकता है, कि कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा बताओ ना मेरे को, क्योंकि मेरे को खेल के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। हाँ, 0%। ये सर मेरा नेशनल का गोल्ड है। हाँ, तो नेशनल गोल्ड पे आपको फॉर्म फिल करना होगा। हाँ, स्टेडियम में जाके फॉर्म। अच्छा, इसका मेरे को डिटेल बताओ पूरा, जैसे ही फॉर्म फिल करना है कितने टाइम बाद क्या होगा और कब फॉर्म निकलता है, कैसे? सर वो बहुत लंबा टाइम पीरियड है, आप आज फॉर्म फिल करेंगे, आप जैसे फॉर्म निकले, आपने फॉर्म फिल करा, फॉर्म निकलने का कितना वेट करना पड़ता है, साल में निकलते कैसे? साल में ही निकलते हैं और एक साल बाद आपको उसका अमाउंट मिलता है। अच्छा, आपने फॉर्म, ये आपके पास मेडल है, फिर आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है? हाँ जी। उसके बाद आपको एक साल बाद अमाउंट मिलेगा। एक साल बाद अमाउंट। कितना अमाउंट मिल जाता है वैसे? देखिए दिल्ली में तो बहुत कम ही मिलता है, फिर भी नॉर्मली आइडिया, नॉर्मली नेशनल गोल्ड पे 20 से 25 हज़ार रुपये, 20 से 25 हज़ार रुपये मिलते हैं। और कभी कभी बहुत रेयरली भी की ठीक है आप स्टेट गोल्ड हो तो शायद उस पे 5 ही मिलते हैं, क्योंकि मैंने कभी नहीं लिया कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था अकेले। तो ये तो लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा ना कि फॉर्म भरो फिर उसके बाद पैसे आएंगे, एक साल बाद आएंगे वो मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, वैसा तो नहीं हो जाएगा कि? ये आते हैं लेकिन बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम पीरियड लगता है। मैंने बोला ना आज तक नहीं लिया मैंने इसका बेनिफिट, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था, क्योंकि मैं काम भी कर रही हूँ, मैच भी खेल रही हूँ, अपने बाउंसर भी। अच्छा, ये कब तक वैलिड होता है, मतलब कि इसका कि ये आपको मिल जाता है? 3 ईयर तक वैलिड होता है। ओके, एक मेडल आपका 3 ईयर तक वैलिड। जैसे कि ये मेडल आपका मान लो कि कितना टाइम हो गया इसको लिए हुए? ये तो सर मैंने अभी फरवरी में जीता। अच्छा, फरवरी में आपके पास है अभी? हाँ। मैडम के पास पैसा आ सकता है इसमें, ठीक है? तो मतलब कि 3 साल बाद होता है हर मेडल का? ये होता है कि अलग अलग होता है? नहीं, हर मेडल की एक जो वैलिडिटी होती है वो 3 ईयर की ही होती है। ओके भाई, तो फाइनली बात ये समझ में आ रही है, एक तो गोल्ड मेडल जो होते हैं ना ये सोने के नहीं होते, ये बस किसी चीज के बने होते हैं, धातु किसके बने होते हैं ना कुछ ऐसा? नॉर्मल धातु के होते हैं, उसके ऊपर वो गोल्ड से वो कर देते हैं। ओके ओके, ठीक जो भी उनका वो होता है। ठीक ठीक, तो ये एक वो हो गया। और दूसरी बात की मैंने ये सुनी मैम से, ठीक है, कि शायद कि 3 साल तक इनकी वैलिडिटी होती थी, जिस हिसाब से इनको पैसा वैसा मिलने का अमाउंट मैंने बताया, बाकी कुछ नए फॉर्मेट भी आते रहते हैं मार्केट में, अलग अलग बर्ताव होते रहते हैं। लेकिन आज यार इन मेडल को देख के कि है मैम के पास इतने, ठीक है, मैंने कभी नहीं इस फील्ड में मतलब कि कुछ ऐसा किया नहीं मैंने देखा, ठीक है, तो पहली बार मैं ऐसी चीज़ें एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के पास देख रहा हूँ। ऐसे वैसे मैं WWE का फैन हूँ, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट का, और शायद मैंने एक बेल्ट भी देखी, तुम्हारी बेल्ट भी मिलती क्या वो ऐसे? वो सर हमें नहीं मिलती, वो तो FFW में है। अच्छा, बेल्ट का जो है। ओके, और मेरा तो मेडल का ही रहा है, मुझे मेडल का बहुत अच्छा अचीवमेंट अच्छी लगती है कि हमारे गले में मेडल है। ओके, और WWE की तरह ही FFW होता है। अच्छा, FFW होता है। हाँ जी, आप उसमें अगर खेलेंगे तो आपको बेल्ट मिलेगी। अच्छा, वो ऐसे वाली है? हाँ, जो प्रॉपर बेल्ट होती है। ओके ओके, मैं वो टीवी पे देखता हूँ WWE, ऐसे W घुमाते हैं उसके अंदर ऐसे। पर WWE की फाइट तो सर सारी स्क्रिप्टेड होती है, अगर यहाँ पे पंच लगेगा तो रियल लगेगा, रियल लगेगा। तो जो दूसरी और होती है यहाँ पे, मतलब कि आप वाली रियल होती है? जी, हमारी रियल होती है। अगर आपके अगर पंच लगे फाइट के दौरान अगर आपको चोट लग जाती है तो उसका खर्चा खुद ही उठाते हुए कोई फाइट वाले? नहीं, वहाँ पे सारे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं उस टाइम। उस टाइम होते हैं, लेकिन हड्डी टूट जाती है, हड्डी टूट जाती है फिर तो वो खर्चा अपना ही है, अपना ही ना। ये बात ना कि उस टाइम पे तो होता है चलो ट्रीटमेंट करके भेज दिया बंदे को, ऐसा होता है फर्स्ट एड करके भेज दिया, ऐसा कुछ होता है, लेकिन उसके बाद जो चोट लगी है गंभीर उसका तो हर जाना खुद ही भुगतना पड़ता है, उसका हर जाना खुद ही भुगतना पड़ता है, वो कोई सहयोग नहीं होता उसमें किसी का। तो मैं ये बोल सकता हूँ खेल की जो दुनिया है मतलब कि वो बहुत ही डिफरेंट है, अलग है ना, बहुत स्ट्रगल और बहुत ही वैसे स्ट्रगल भी है। एक आप ये है कि फिटनेस रहती है बॉडी में, एक लीडरशिप आती है, और बाकी तो फिर किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या अचीव कर सकते हैं, और एक आपकी मेहनत भी होती है, लगन होती है कि आप कब तक खेलना चाहते हो उस चीज़ को। तो अभी मतलब कि आप क्या कहना चाहेंगे इस फील्ड को लेके, कि जो नए लड़के लड़कियां देख रहे हो आपको, कि इनको ये सिर्फ करना चाहिए या नहीं, और करना चाहिए तो क्यों? अगर करना चाहिए तो एजुकेशन के साथ करना चाहिए। अच्छा, अगर मान लो इसमें इसमें कुछ अगर आपको स्कोप नहीं मिलता तो एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, ये कहना चाहते हैं? अगर आपको इसमें भी स्कोप मिलेगा तो एजुकेशन तो मस्ट है ना, अगर आप अच्छा किसी भी चीज में जाएंगे तो आपसे पूछेंगे ना आपके पास कौन सी डिग्री है। लोग सोचते हैं ठीक है हम स्पोर्ट्स में हम सिर्फ खेलेंगे हमें मेडल मिलेगा हमारी जॉब लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको साथ साथ एजुकेशन भी जरूरी है ताकि आपको हर चीज की समझ भी आए आगे। पढ़ाई इसलिए जरूरी है कि हम चीजों को समझ सके, मैनेज कर सके, वो बहुत जरूरी है साथ में। तो पढ़ाई जरूरी है मतलब? बिल्कुल जरूरी है सर पढ़ाई, कोई फील्ड में जाओ यार पढ़ाई तो मस्ट इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, ठीक है। और
इतना तो आप पढ़े कि कम से कम आपने साइन कर सके, आप सही गलत पढ़ सके कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, कि फॉर्म में आप क्या फिल करके। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता ना कि हमें वो हमारी उम्र समझ ही नहीं होती, हम साइन भी मार देते हैं। हाँ, वही वही चीज। उसके लिए अपने पेरेंट्स को साथ में रखे, पेरेंट्स को साथ में रखे, ठीक है। लेकिन कुछ है चीजें जो हम बोल नहीं पाते, हम बता नहीं पाते, आप समझ रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो वो चीज़ भी जरूरी है। अगर आप कुछ भी करते हैं, जहाँ पे भी फॉर्म आप भरते हैं, सबमिट करते हैं, तो उसकी टर्म एंड कंडीशन पढ़ लें भाई, इसके अंदर है क्या क्या नहीं, या किसी से पढ़वा लें, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं भी कई रियलिटी शोज के फॉर्म भरता हूँ और उसके अंदर मैं देखता हूँ ना कि कुछ ऐसे लिखा पाता है कि हम इस शो पे टीवी, मतलब कि इस वीडियो को ना, इस मतलब कि तुम्हारे को ऑन ईयर करें या ना करें, या दिखाएं ना दिखाएं, हम कुछ नहीं कर सकते, चोट लगी तो तुम्हारा वो उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता नहीं होता, तो लेकिन वो प्रोडक्शन होते हैं, जो चैनल होते हैं, वो अपनी सेफ्टी के लिए सब करते हैं। और मैं भी एक दिन, एक टाइम पे स्केटिंग सिखाता था, तो उसमें कुछ ऐसा लिखा होता था वहाँ पे, मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ें लिखी हुई है, किसी को चोट लग गई थी, तो फिर उसके बाद में उसने बोला कि मैं केस करूँगा, वो करूँगा, देन उसके बाद में पुलिस पुलिस आई वहाँ पे, तो वो वहाँ पे लिखा हुआ था, तो आई एम सेफ। तो ये सही है, अच्छा है वैसे। नहीं, मेरी भी एक फाइट थी नेशनल की, मैंने लड़की में पंच मारा और उसकी नाक टूट गई यहाँ से, और वो बेहोश हो गई थी रिंग में। तो फिर आप पे केस उस कुछ नहीं, ऐसा केस नहीं, हम तो फाइट कर रहे थे और मेरा कोई इंटरेस्ट। फाइट में अगर मान ले कोई टूट जाता, लग जाता, तो केस होता उस पे? नहीं, उस पे कोई केस नहीं होता, वो पहले ही बचा हुआ था कि यार हाँ लग भी सकती है, इंजरी हो सकती है, ये तो आप बताइए, बॉक्सिंग है तो उसमें तो इंजरी होगी होगी, और कोई फेक फाइट तो है नहीं, सब कुछ रियल ही होता है। तो उसकी नाक टूट गई थी, वो बेहोश हो गई थी पूरा, उसके बाद डॉक्टर वगैरह आए, उसे उठाया, उसकी वो भी मेडिसिन वगैरह जो भी करना था वो करा, मेरी फाइट है वो मेरे पास, तो ठीक है। लगा मेरे को भी थोड़ा बुरा लगा कि शायद ज़्यादा ही लग गया, लेकिन मेरे लिए जीतना ज़रूरी था उस टाइम, राइट। हम एक स्पोर्ट्स में हम किसी के लिए ये कर सकते हैं कि हाँ ज़्यादा लग गई, हम दुख कर सकते हैं, लेकिन हमारी एक फोकस होता है कि हमें कुछ अचीव करना है। रिंग के बाहर हम सारे दोस्त होते हैं, रिंग के अंदर सिर्फ फाइट करते हैं हम, रिंग के बाहर सब दोस्त, रिंग के बाहर सब हम बहुत अच्छे से बैठते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, खाते पीते घूमते हैं, बस रिंग के अंदर तक फाइट होती है, उसके बाद सब दोस्त हैं। ओके, तो और कुछ आप बताना चाहेंगे एक्सपीरियंस, आप किस चीज के बारे में आप जैसे पूछना चाहते हैं, जो भी? मुझे तो लगता है कि मैंने लगभग पूछ लिया, कुछ आपके दिमाग में रह गया बताना तो बता सकते हैं आप। मेरा तो यही कहना है कि अच्छे से रहिए, हेल्दी रहिए, और स्पोर्ट्स में जाइए अपनी हेल्थ के लिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पढ़ाई करिए, सबसे बढ़िया, उतना ही खेलिए जितना कि आप आगे अचीव कर सके। बहुत ज़्यादा लोग होता है कि मतलब डिप्रेशन में भी आ जाते हैं इस चीज़ को लेके कि हम कुछ अचीव नहीं कर पा रहे, हर किसी का ना एक टाइम होता है, तो वो अपने टाइम तक ही खेले, मुझे ये लगता है। बहुत ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए कि अगर आप नहीं अचीव कर पा रहे तो आप उस चीज़ को छोड़ के कुछ और चीज़ स्टार्ट करिए। अब मुझे लगा कि मेरा बॉक्सिंग का चल रहा था, मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हो गई कि मुझे जॉब करनी पड़ गई, तो मैंने एक टाइम दिया खुद को, बहुत टाइम दिया मैंने, जॉब करी अपने लिए, पैसे सेव करे, मैं फिर दोबारा फील्ड में उतरी, मैंने फिर अब 2023 में नेशनल में गोल्ड जीता। गिव अप नहीं करना है, लेकिन हर चीज़ को टाइम भी देना है, उसके बाद ही आप कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जिद में नहीं, हम करेंगे करेंगे, अपने घर वालों का भी टाइम वेस्ट, अपना भी टाइम वेस्ट, और अचीवमेंट कुछ हो नहीं रही। जरूरी नहीं है कि आप एक ही गेम खेलो, आप बहुत सारे गेम खेल सकते हैं। तो चलो फिर करते हैं एंड, और कुछ? बस बस कर दीजिए आप, बहुत अच्छा लगा, और एक मतलब कि थोड़ा सा मेरे को स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मिली, और मैं इतना मेरा वो रहता नहीं, मेरा सिर्फ एंटरटेनमेंट वाले होते हैं, जो भी जैसे मॉडल होती हैं या फिर सिंगर होते हैं इस तरह के। अच्छा। और उनको मैं कुछ बोल भी सकता हूँ, वो बुरा भी नहीं मानते, लेकिन तुम और लोगों का पता नहीं फंडा क्या क्या नहीं, मैं इतना नहीं जानता। और एक्चुअली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट वाले बंदे होते हैं, जॉब वाले, कुछ फील्ड में एक्टिविटी करते हैं, तो मैं उनसे बात नहीं करना पसंद करता, क्योंकि उनके दिमाग भी ऐसे होते हैं, पता नहीं किस टाइम पर कैसा क्या उनका रहता है, किस तरह की बातें करते हैं, इस तरह का हो जाता है। तो मेरे को मज़ा उन्हीं में आता है जो कि टोटली एंटरटेनमेंट वाले होते हैं प्रॉपरली, तो उसमें मैं कुछ बहुत ज़्यादा बोलता भी हूँ, और सामने से रिस्पॉन्स भी अच्छा रहता है, लेकिन रिस्पेक्टफुली मैं आपको कुछ ऐसा बोलूँगा नहीं, क्योंकि वो है ना, होता ना सभी का एक अलग अलग मैटर, सबका एक अलग अलग दायरा होता है, एक हर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के साथ में थोड़ा बहुत छेड़छाड़ नहीं करता कोई, और ऊपर से हम तो बाउंसर हैं। हाँ, बाउंसर, ठीक है। देखो
दो जगह से टूटता बंदा, ठीक है, एक दिल से और एक शरीर से। तो तुम्हारे यहाँ पे चांस दोनों साइड से टूटने के मेरे, ठीक है, तो मैं दोनों साइड से हरकत नहीं करूँगा मैं। तो मेरे को चीज़ें समझ में आती हैं, मैं भी हरकत वहीं करता हूँ जहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है। चलो थैंक यू सो मच मैम। अब जो हमारी कैमरा पर्सन, उनको बोलूँगा कट कर दिया जाए, काफ़ी टाइम से वो परेशान हो रही हैं शायद।